बातमी सोलापूर शहरातील पंजाब तालीम परिसरातून येत आहे। या ठिकाणी जागेच्या कारणावरून शाहजहान शेख याचा मारहाणीत मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे। सदरील मारहाण 5 ते 6 लोकांनी मिळून केले असल्याची माहिती मिळत आहे। लोखंडी रॉडने या मारहाणीत सदर इस्माचा मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे। सदर इस्माला हे सोलापूर शहरातील सिव्हिल हॉस्पिटल मध्ये नेण्यात आले होते, परंतु त्याचा प्रकृती गंभीर असल्याने दुसऱ्या सोलापूर शहरातील अश्विनी रुग्णालयात नेण्यात आले होते, परंतु त्याचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाल्याची माहिती मिळत आहे। दरम्यान सदरील घटनेची नोंद पोलिसांनी घेतली असून सदरील घटनेचा अधिक तपास पोलीस करत आहे। मेरा नाम शाहिद है। मेरे अब्बा को, मेरे भाई को और मेरे बड़े अब्बा को मारे हैं। मेरे बड़े अब्बा की तो जान गई है। सो वो समीर शेख, शमीर गुल हमीद शेख और शाबिर गुल हमीद शेख और उनका लड़का, दो लड़कन था शाबिर के, साकिब शाबिर शेख और सुफियान शाबिर शेख और वो समीर की औरत रियाना और महरून शाबिर की औरत और वो गुड्डो सादिया बोलकर उनके बेटे है समीर के, इतने जन आकर मेरे अब्बा को शीर में ये मारे, 7-8 टाके पड़े और मेरे बड़े अब्बा का तो निधन हुआ और इन्हें बम्बा से मारकर ये करे। किस वजह से? वो घर घर के वास्तव होगी, जगह के बारे में। हाँ, जगह के बारे में उन्होंने मारे। उन्होंने झगड़े ये घर के पास से जुए रहे। एड्रेस? पंजाब तालीम में। आप कहाँ के रहने वाले? पंजाब तालीम के। हाँ, बजे वो सुबह ये 9:30 को वही लाई, 9:30 को। जिसको मारा नहीं हुई, क्या काम करते थे? वो ड्राइवर थे दोनों। हाँ, सोलापुर में रहते थे वो, डाउन में रहते थे वो, तो यहाँ आए थे वो झगड़े सुलझाने का स्तर। तो 10 बार वो समीर के भी घर को जाते थे, झगड़े मत करो मत करो बोलकर, पर भी ये झगड़े करके ये करे, मार के छोड़े। राजनीति न्यूज चैनल साठी मी फयाज शेख, सोलापुर।